कैंपियरगंज पुलिस ने थाना क्षेत्र में हुए सामूहिक बलात्कार के आरोप में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 4 अभियुक्तों को ग्राम राजपुर यूएस अकेडमी मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान ब्रह्मदेव यादव पुत्र सुरेश यादव उर्फ नाटे निवासी इंद्रपुर थाना कैंपियरगंज जनपद गोरखपुर, दूसरा विकास यादव पुत्र रामकृपाल यादव उर्फ कृत निवासी इंद्रपुर थाना कैंपियरगंज जनपद गोरखपुर, तीसरा शैलेश यादव पुत्र महेश यादव निवासी इंद्रपुर थाना कैंपियरगंज जनपद गोरखपुर, चौथा मनीष यादव पुत्र दीपचंद निवासी इंद्रपुर थाना कैंपियरगंज जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि 4 अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंपियरगंज थाना प्रभारी रंजीत सिंह, वरिष्ठ उपनिरीक्षक राकेश कुमार सिंह, चौकी प्रभारी मछलीगांव राजेंद्र सिंह, उपनिरीक्षक सुरेश कुमार यादव, कांस्टेबल एकांश सिंह, श्याम बाबू, इंद्रजीत यादव, मनीष कुमार त्रिपाठी, मनीष मौर्या, पुष्पेंद्र यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई और एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, क्या नाम है? बोलते इमरान जी, क्या करते हैं? इंटर नहीं करते हो बता करते हैं। और ये शैलेश, मनीष, इंटर से हाई स्कूल, हाई स्कूल स्टोरी कल दोपहर में कैंपियरगंज थाना के अंतर्गत इंद्रपुर गांव में एक सूचना मिली कि एक महिला के साथ में गैंगरेप की घटना हुई है। बाद में उसकी माताजी के द्वारा तहरीर दिए जाने पर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ एवं 4 अभियुक्तों के नाम प्रकाश में आए थे। चारों अभियुक्तों को गोरखपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है एवं पीड़िता के साथ उसका मेडिकल करवा के एवं अन्य कार्रवाई की जा रही है। क्या करते थे वो? अभी तक इसमें जांच चल रही है। चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक का नाम ब्रह्मदेव है, एक विकास है, शैलेश है। ये चारों लोग वहीं उसी गांव के रहने वाले हैं और उनकी गिरफ्तारी कर आगे कार्रवाई की जा रही है। 21/22 की रात में ग्राम इंदरपुर थाना कैंपियरगंज में एक सामूहिक दुष्कर्म की घटना घटी थी। इसमें 4 व्यक्तियों को नामजद किया गया था। उक्त घटना घटित होने के बाद जैसे ही थाने को सूचना प्राप्त हुई, मुकदमा दर्ज किया गया और तत्काल अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई गई और प्रयास करके उसको रात ही में सभी अभियुक्तों, 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है, जिनमें मनीष यादव, शैलेश यादव, ब्रह्मदेव यादव और विकास यादव, ये 4 अभियुक्त हैं जिन्होंने इस दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। इनके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी और अन्य जो भी कठोरतम कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। आपराधिक इतिहास तो कोई नहीं है, अभी उसकी तलाश कराई गई है, लेकिन आपराधिक इतिहास कोई नहीं निकला है। उसके बावजूद भी चूँकि इतना जघन्य इन्होंने दुष्कर्म किया है कि इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई गई। घर से ले जाकर दुष्कर्म किया जी, ये इंटर और बीए में पढ़ाई कर रहे हैं ऐसा ये बता रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से आवारा हैं, कोई ऐसा विशेष कार्य नहीं करते हैं। ये 21/22 की रात में 11:30 से 1:30 बजे की घटना है जो कि पीड़िता द्वारा बताया गया है और उसकी सूचना थाने पर उसने अगले दिन में 12:30 बजे के आसपास दी है।